हे गाइस वेलकम बैक। आज मैं देख रहा हूँ एप्पल पेटल फॉल स्टेज। ये है सेब का पौधा और इसमें अभी अप्रैल में लगे थे फूल जो कि सेट होकर बनने थे फल। मैं वही देखने आया हूँ कि इसमें से कितने फ्रूट सेट हुए हैं और कितने फ्लावर बेस्ट हुए हैं। यहाँ पर कुछ फूल अभी खिल रहे हैं और इसमें ये जो पेटल्स है ये है पंखुड़ी। ये जब फ्रूट खिलकर इसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती है और फ्रूट सेट हो जाता है या फ्रूट सेट भी नहीं होता, जो ये वाली स्टेज है इसे ही कहा जाता है पेटल फॉल, यानी कि सेब के फूल से पंखुड़ियाँ गिर गई है। यहाँ पर भी पेटल फॉल स्टेज है। पेटल फॉल स्टेज से ये पता लगता है कि पौधे में कितनी फसल लगी है और आमदनी कितनी होगी। इसी से ही प्रेडिक्शन हो जाती है कि सारी साल हमें सेब से कितना पैसा मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले देखिए 360 व्यू। ये है सामने घनघोर जंगल, इसमें कभी हम एक्सप्लोर करेंगे। इसमें है जंगली जानवर, इसमें भालू भी हो सकता है, चीता, मुर्गा, तरह तरह के पशु पक्षी, तीतर, हिरन, सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है। और ये 360 व्यू, और ये देखिए गड़गड़ाहट। कितनी गड़गड़ाहट हो रही है। अब यह आसमान में छाए है बादल। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि सामने जैसे ही हम थोड़ी हाइट में जाएंगे वहाँ से एक पहाड़ी दिखती है, वो है लगभग 11,000 फीट की। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ हो रही है घनघोर बारिश, और आजकल अप्रैल मई में जब बारिश होती है तो बादल गरजते हैं। अभी वहाँ पर बारिश हो रही है और उम्मीद है कि एक दो दिनों में यहाँ भी बारिश हो जाएगी। मौसम धीरे धीरे से चलता ही रहता है। जैसे मानसून सबसे पहले दिल्ली आती है, उसके बाद धीरे धीरे से हिमाचल की ओर वो बढ़ना शुरू करती है। कितने बहुत सारे धमाके हो रहे हैं दोस्तों। अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी मई लगा है लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और लगभग ये जून या जुलाई तक भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। तो गाइस अब देख लेते हैं कि इसमें कितना फ्रूट सेट हुआ है। ये पौधा हर साल हमें कमा कर देता है 2 से 2,500 रुपये, लेकिन अब की बार थोड़ा मौसम की बेरुखी से ये लगभग खाली ही गया है। पिछले 5-6 महीनों में लगातार बारिश नहीं हो रही थी और लगभग सूखे जैसे हालात पैदा हो चुके थे, तो उस कारण से इसमें जो भी फूल आए वो फल नहीं बन सके, क्योंकि पौधा सबसे पहले ये कैलकुलेशन करता है कि मैं इतना लोड ले सकता हूँ कि नहीं, तो वो मुताबिक ही फल रखता है। जैसे कि यहाँ पर आए थे फूल, यहाँ पर भी ये टहनी खाली गई है, उसके बाद यहाँ पर भी फूल आए थे और यहाँ पर भी फूल आए थे। यहाँ पर 5 फूल आए थे लेकिन एक ही फ्रूट सेट हुआ है। यहाँ पर भी एक ही फ्रूट सेट हुआ। यहाँ पर 5 में से 5 फूल खाली गए हैं। यहाँ पर 2 फ्रूट सेट हुए हैं। यहाँ पर 3 फ्रूट सेट हुए हैं और ये खाली गया है। यहाँ पर 2 फ्रूट सेट हुए हैं। लगभग इसी तरह से हाइट में इन टहनियों में कुछ एक फ्रूट सेट हुए हैं।